अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप ठाक होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तेरा बरकत मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं जनाब ये क्या करा वालों को पता नहीं, मैं बाहर होता ना जनाब, जब बाहर शबनम के कतरे और ठंडक होती है ना, वो शायद मैं रात को एक साइड पर ही सोया रहा हूँ, तो मेरी गर्दन जो है ना वो एक साइड पर ऐसे ही होगी। तो मैंने तारा को बोला कि पता नहीं मुझे क्या हो गया, उसने कहा मैं थोड़ा सा सेट करती हूँ, तो वो थोड़ा बहुत सेट कर रही है, अब देखते हैं क्या होता है, बाकी अलग अलग काम करेगा। अच्छा तरह बरकत आपके साथ भी होता है? मेरे साथ पूरे एक माह से ऐसा ही हुआ हुआ है, क्या होता नहीं है, ऐसा ही है। ऐसे? दो दिन जब काफी ज्यादा तबीयत खराब थी तो इंजेक्शन लगवाती रही हूँ, उसके बाद ये वाली जो है ना, ये वाला हिस्सा, ये इस साइड, ये वाली, ये मेरी सीधी होती ही नहीं है, ना रात को ना सुबह उठते वक्त। फिर ये है कि बस जैसे समझ लेके आदी हो गई हूँ, अब जो है दर्द होती रहती है, बस ऐसे ही रहती हूँ, फिरती रहती हूँ कि चलो जी ठीक है, दिन गुजर गया बस ठीक है। चलो बस कर दे, कुछ बेहतर है, आप ना नाश्ते का इंतजाम करें, नाश्ता खाते हैं पीते हैं और फिर इसके बाद कुछ और काम करेंगे। आज कुछ शायद काम है मेरे, एक दो वो करने वाले हैं, वो करने ज़रूरी हैं, तो नाश्ता करने के बाद इंशाल्लाह। तेरा वक्त बोल दी मशीन लगानी है? नहीं वो करी मुड़े ला लेने, आप तू नाश्ता कर। शेरू और शीला ने सारी रात नहीं सोने दिया, इस साइड पर पता नहीं इन्होंने कुछ चीज़ देख ली थी कि पता नहीं क्या था, तो कोई समझ नहीं आया। हालांकि मैंने लाइटें वगैरह भी मारी, काफ़ी मतलब चेक किया आगे जाकर, लेकिन फिर भी ये बार बार इधर से ही भौंक रहे थे। आप थोड़ी देर का चलते हैं जाकर देखते हैं कि कोई जानवर था या कोई इंसान था, वो पाँव वगैरह के लगे होंगे ना उनके पाँव, तो निशान का पता चल जाएगा। और हमारी रानी और उनकी बच्चियाँ की गल है तो पावान कल दिखाते पे खाना कितने, आज आज खाओ इनको जनाब, नाश्ता मिल गया है। आज दूध वाह वाह लगता पाया तेरी, चल अगे चल जल्दी कर, मैं मुर्गियां नहीं कड़ा अपनी शेरनिया नु। अब ऐसा भी सो रहे माशाल्लाह माशाल्लाह, नमाज पढ़ने के बाद जनाब आज मैं भी तो सो गया था, वैसा तो वैसे भी सो जाते हैं ना। वाह तेरा बरकत है जो नमाज पढ़ने के बाद मतलब जागती रहती है, कभी कभार मेरी आंख भी लग जाती है, वैसा तो डेली ही सो जाते हैं। शेरू और शीला जो ना नखरे देखे जा रहे हैं, ये अलग है कि उसको काटते नहीं है, लेकिन ना वो जैसे खेलता है ना बंदा, हालांकि चक भी मारते हैं, ये भी करते हैं दांत भी, लेकिन ना वो मारते नहीं है वैसे सही तरह से देखे। बस अभी हम निकालते हैं अपनी मुर्गियों को, सबसे पहले ये इंटे साइड पर करते हैं, इनकी यार कुंडी वगैरह लगानी थी, यहाँ पर लग जाए, ये वाली जो वैसे भी ख़राब होगी, तो बस कभी सोचता हूँ कि पहले लगा लेता ना, लगाने से पहले ये दरवाज़ा तो ज़बरदस्त था, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि चलो दरवाज़ा तो लग गया, अब इसकी कुंडी का हिसाब लगाते हैं, इंटे आगे पीछे भी हो सकती हैं, रात को ऐसा ना हो गए। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, की हो रहा है है की हो की रहा है, चांदियाँ की है तुसी? सारी रात करल 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 करल, इसमें से दो तीन मुर्गियाँ हैं जिनको ना ये सारी मुर्गियाँ मारती हैं, तो वो बेचारी फिर ना रात को करल 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 करती रहती बार बार। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब ये देखना चाहती हैं, वाह 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 वाह, बाकी अद्धियाँ आई हैं, अद्धियाँ नहीं आई हैं, वो निकल दिया ही नहीं, वो हम बाद में लेकर आए थे 10 मुर्गियाँ, वो निकलती नहीं है बाहर, वो पता नहीं क्यों निकलती है तारी, यहाँ से हम ना उनके लिए कोई ले कर चलते हैं अंदर। इतनी इधर और इतनी ही इधर डालते हैं, ये जनाब खाएंगे तो मज़े उड़ाएंगे, ये ज़्यादा डालता हूँ ना ये ख़राब कर देती हैं यार, इसलिए मैं फिर मैं थोड़ी थोड़ी डालता हूँ इनको। पानी पानी का क्या हिसाब किताब है, ख़राब हो गया, इसको भी ऐसे करके न्यू पानी आ जाएगा ऊपर से। यार ये मुर्गियाँ मुझे बहुत तंग करती हैं, इनको मैंने समझा समझा के थक गया हूँ कि इसके अंदर नहीं जाना इसके अंदर नहीं जाना, ये फिर भी जाती हैं। शाज कि बार बार आया,
अभी जनाब रोटी हमारी ऊपर डल गई और जनाब आज गोभी आलू गोभी वाली रोटी बना रही तेरा बरकत। वाह क्या बात, एक पक गई माशाल्लाह। रात में जो सालन बचा था उसके हम पराठे बना रहे हैं गोभी के, आज काफी दिनों के बाद बन रही वैसे गोभी वाली रोटी, काफी दिनों के बाद साल ही हो गया। सर्दियां वैसा मार लो फूका, मेरी किसी रोटी होंगी ना यकीन में दो मिनट ड्रामा शुरू करना, मेरी सुखी कल भी मिली आज फिर सुहा सुखा के दे रहे हैं बैनगी बैनगी। बंदा की गाखे यार कुछ भी ना मेरे साडा कोई कसूर नहीं, जो कसूर है अगदा है जो कसूर है साडा है लकड़ियां ले आ दे साले लकड़ी करने आ यार एक दो दिन करने हैं। हाँ जी वैसा कैसा है मास्टर? मजेदार, वाकई मजेदार, मजेदार, मैंने मजा नहीं देता जबरदस्त पराठे बने हुए थे इतने, तो इनको मजा कर वो भी आपको कुछ चीज पसंद आई भी है, हर वक्त यही कहते हो ऐसा ऐसा ये सब नहीं भाई वैसा मजाक कर रहा हूँ। वाह माशाल्लाह काफी जबरदस्त बना हुआ है पराठे, आलू गोभी के थे और साथ में मिर्ची और डाल दी थी हरी भी और दूसरी भी, तो जिससे काफी टेस्टी बन गए थे। बाकी अलग अलग हम करेंगे इंशाल्लाह। शेरू है जो शायद मुझे लगता है अभी भूखा है इसलिए वो देख रहा है, और शीला सो गई, शीला बीमार है सुबह उल्टियां कर दी, यानी वो स्प्रे आज चटती रही है ना वो कहीं जी। हाँ खानी नाश्ते के बाद कपड़े काफी दिनों के पड़े हुए थे, मैंने सोचा कपड़े धो लेते हैं क्योंकि आज तकरीबन एक हफ्ता हो गया है जो है ना डिग्गी वो बंद पड़ी हुई है, तो इसी इंतजार में थी कि अभी ऑन चलाएंगे अभी चलाएंगे तो फिर धो लूंगी। तो पानी मैंने आगे से बंद किया, वो बाद में बताती हूँ, पानी आगे से बंद किया इस वजह से हम पानी जो है ना वो नहीं चला सकते थे, आज मजबूरन अब क्या करें कपड़े वाश करने हैं, वैसे भी आज 12 रबी अव्वल है तो मैंने कहा जो कपड़े धोने वाले हैं वो धो लेते हैं, और सरफ भी जो है वो खत्म हो चुका है थोड़ा सा है, इतना सही है ये। चलो सेकंड टाइम ले आवांगे और जिन्हें वाश होने उन्हें कर लो। हां सही गल है और हां जी सारा दिन यही काम ही है। वैसे सब बकरियां ने कोई साफ तला लिए? बकरियां ने साफ किया की लाना हाले तो ट्रेल उत्ते पई हुई है। चलो थोड़ी ठहर के ला लेंगे, आ साठ कड़ी पई है बल्कि बैठी है ना जो बैठी रहने। ओ तो ले आवांगे की दरेक कुछ हमारे बहन भाई थे वो कह रहे थे कि आप लोगों ने लाहौर वापस नहीं आना, लाहौर वापस नहीं आना, लाहौर वापस नहीं आना, लाहौर वापस नहीं आना, लेकिन हमने लाहौर वापस नहीं आना। अब हमारा जीना मरना यहाँ पर ही है, यहाँ पर हमारी कब्रें बनेंगी, यहाँ पर हमारे वो दरबार बनेंगे, मजार बनेंगे, सब कुछ जो है ना वो यहीं पर बनेगा। आप हमारा लाहौर कुछ भी नहीं है, लाहौर ने हमें बहुत कुछ दिया भी है, बहुत कुछ लूटा भी है, बहुत बिखरे भी हैं वहाँ पर, कुछ समेटे भी हैं, मतलब कि नहीं जाना अब लाहौर नहीं जाना तो नहीं जाना, मैंने जाना। हाँ जी तो फिलहाल मिजाक से हट कर बात कर रहे हैं, फिलहाल अभी कोई प्रोग्राम नहीं वापस जाने का। अभी यहाँ पर देखते हैं अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, अल्लाह ताला ने यहाँ पर ज़बरदस्त काम कर दिया तो इंशाल्लाह फिर यहीं पर है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो फिर देखेंगे कहीं और ठिकाना ढूंढेंगे, वरना फिलहाल अभी तक यहीं पर तकरीबन एक साल तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं, बाकी अल्लाह ताला करम करेगा इंशाल्लाह। फिर कितने गया मैं आजकल कोई नजर नहीं आ रहा है, फिर तुम पागल हो गए ना, मेंटल हो गए ਡੋਲ ਵਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਮੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮਲਗਤ ਮਲਗਤ ਜੋ ਗਏ ਮੈਂ ਵੀ ਕਮਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਮਣੇ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ 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 ਮਲਗਤ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਉਸ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵੇ ਹੁਣ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਮਾ ਪੀਰਾ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਵੇ ਮਾਚਸ ਦੇ ਉੱਤੇ माचस दे भाई माचस लेना आया अगर मिले नहीं आया साहब तकरीबन आज 3 दिन के बाद हमें मिले तो वो भी माचस लेने आया, हमने समझा कि शायद हमें मिलने के लिए आ रहा है, तो मतबली लोग हैं क्या कर सकते हैं, फिर मैं साहब को अच्छा मिलने भी आया नहीं भाई, वो कह रहा कि मिलने भी आया और माचस लेने भी आया, चलो ठीक है अच्छी बात है। वैसे तो ये मलगद्दा चौक यहाँ से तकरीबन है 100 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ पर मतलब गया हुआ था, वहाँ पर इनकी सिस्टर जो है वो भी आई हुई है, उनके पास मतलब के मिलने के लिए गया हुआ था, दे जड़ी भी है। शीला जो है ना वो बीमार हो गई कल से ना, ये उल्टियाँ ही कर रही, पता नहीं इसने क्या खाया क्या नहीं खाया कोई समझ नहीं आ रही, लेकिन ये है कि वैसे ये खा पी रही है लेकिन अच्छे तरीके से नहीं खा पी रही,
जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, एक बोतल पड़ी हुई थी यहाँ स्प्रे की, तो उसके ऊपर ये कल परसों की बात है, ये अपने ना वो जीव जबान वगैरह जो ना उसको चाटती रही थोड़ा बहुत, तो मैंने देखा था, फिर मैंने उस बोतल को साइड पर रख दिया ऊंचा थोड़ा सा। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है स्प्रे तो फिर जारी होती है, तो वहाँ से मतलब कि इसको थोड़ा बहुत अंदर कुछ हुआ है, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है, कल तक देखते हैं, अगर कल तक बेहतर होगी तो ठीक है, वरना फिर कल तक ये शायद थोड़ी और ज़्यादा बीमार हो सकती है, तो फिर कल इसकी मेडिसिन ज़रूर ले आएंगे अगर ये उसको वो मसला, क्योंकि जो चीज़ खाती है ना वो उल्टी करके बाहर फेंक देती है, शायद इसका मेरा जो है ना वो डिस्टर्ब हो गया। बाकी जो भी होगा दुआ कीजिएगा कि कुछ ऐसा ना हो, क्योंकि पहले ये बीमार एक बार हो चुके हैं, तो इनको बहुत मुश्किल से मैंने रिकवर किया। अब कौवे के पीछे शुरू लगा हुआ है, वो चाहता है कि कौवे जो है ना वो इनके नज़दीक ना आए, तो कौवे भी तमाशा देखते हैं, वो भी ड्रामा करते हैं कि हमारे पीछे लग रहा है, वो भी सुजान बूझ कर छेड़ते हैं। फिर अभी माशाल्लाह शाम हो चुकी है और बकरियां जो है ना वो भी चाहती हैं कि हमें कुछ चारा वगैरह फेंका जाए, तो इनको थोड़ा बहुत चारा फेंक देते हैं, फिर उसके बाद इनको ना उधर पास बांधेंगे अपने। खाओ खाओ खाओ, ये रज गई थोड़ा बहुत, मतलब कि रज गई मतलब कि पेट इसने उन्होंने भर लिया है, तो थोड़ा बहुत नखरा भी कर रही है। अब ये जो ईंटें पड़ी हुई ना, इनके अंदर न्योले जो आते हैं ना, न्योले और सांप का जोड़ा आपने सुना ही होगा, वो इसके अंदर रहते हैं, और रहते भी तीन चार हैं, बाकी हमें कोई उनका ख़तरा तो नहीं है। अगर हमने मुर्गियां ना रखी होती तो फिर शायद वो हमारे लिए बेहतर ही होता कि यहाँ पर सांप फिर नहीं आते, लेकिन न्योला जो है ना वो जनाब मुर्गी खाता है। मुर्गी खाने का मतलब कि पहले भी पता ही था कि वो खाता है, लेकिन जो हमारी तीन दो मुर्गियाँ गायब हुई हैं ना, उनके पंख वगैरह वहाँ पर पड़े हुए थे और न्योले जो थे ना वो मतलब कि इर्द गिर्द वहाँ पर थे, तो वहाँ से हमने मतलब कि यही ज़्यादा लगाया कि न्योला जो है ना वो मुर्गियों खाता है, और अब हमारी मुर्गियों को यकीन मानो बहुत ज़्यादा खतरा है। ख़तरा इसलिए कि उसकी जो जाली वगैरह है ना हमने साइड पर रखी हवा के लिए, उनमें सुराख अच्छे खासे हैं, उनमें न्योला बिल्कुल ईजी मतलब कि दाखिल हो सकता है, तो खतरे की घंटी है, बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। तो आज तो नहीं, अभी तारा और अवैस जो है ना वो उधर गाँव गए हुए हैं, तो कल या परसों बल्कि कल ही ये ईंटें वगैरह यहाँ से उठानी पड़ेंगी हमें, इसके नीचे उन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं जो भी किया हुआ ना, तो फिर उनको ख़त्म करेंगे, वरना हमारी मुर्गियाँ जो है ना वो गई, मुझे पता है उन्होंने ख़त्म कर देनी एक एक करके ख़त्म। मैं आपको दिखाता हूँ जो सुराख वगैरह ना वो दिखाता हूँ मैं आपको, जहाँ से मतलब वो दाखिल हो सकता है। देखें ये बड़े वाले सुराख जो है ना भाई, ये बड़े वाला, ये इसमें तो नहीं जाएगा लेकिन इसके अंदर से वो अंदर जा सकता है। ये भी है, अगर ये भी है फ्रंट पर, और ये साइड पर तो माशाल्लाह काफ़ी हैं, एक दो तीन चार पाँच हैं इस तरह के, तो अब क्या कर सकते हैं, इनको बंद ही करना पड़ेगा। दरअसल जहाँ तक मेरा ख्याल, गलती ये हो गई कि ये जो जाली थी ना ये लगानी थी हमने लोहे वाली, जो छोटी छोटी बारीक सी होती है वो मतलब ठीक रहनी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था इस चीज़ का कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो आप इनको बंद करेंगे तो फिर इनको गर्मी महसूस होगी, अगर ओपन करते हैं तो फिर न्योलों का जो है ना वो इन पर अटैक हो सकता है, और हो सकता नहीं बल्कि करेंगे वो लाजमी, क्योंकि उनको स्मेल आ जाती है इस चीज़ की। तो ये ईंटें और ये हमारा मतलब मुर्गियों का घर है, इतना दूर नहीं है, ये भी है और वो ईंटें पड़ी हैं, तो इनका जो भी है फिलहाल बहुत जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना खतरा बहुत ज़्यादा खतरा। बाकी ये मुर्गा जो है ना, बाकी सारे माशाल्लाह रिकवर हो गए, टोटली रिकवर हो गए, ये एक मुर्गा हमारा जो है ना ये थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तकरीबन ये भी 80% जो है ना वो बिल्कुल सेट हो गया। तो हाँ पहले मतलब कि देखे ऐसे जाता ही नहीं था, जहाँ पर था वहीं पर खड़ा होता था, लेकिन अब हिलता जुलता चलता फिरता है, काफ़ी रिकवर है। देखा जाए तो इनको मेडिसिन ही बहुत दी है, ये भी मेडिसिन इनके लेकर आए थे, ये भी मेडिसिन इन्हीं के लिए लेकर आए हैं, ये वाली सारी इनके लिए हैं, मतलब कि सारी सबको ही खिलाते हैं लेकिन मेडिसिन फ़िलहाल इन्हीं के लिए, तो काफ़ी माशाल्लाह बेहतर हो गया पहले। आज खाना हो सकता है कि हम बड़े घर से अम्मी के यहाँ से बनकर आए, क्योंकि आज 12 रबीउल अव्वल था, तो वहाँ पर देगे वगैरह इस तरह का सिलसिला वगैरह था, तो उन्होंने कहा कि हम चलते हैं। मैंने कहा फिर एक बंदा तो यहाँ होना चाहिए, मुर्गियाँ भी हैं बकरियाँ भी हैं, तो मैंने वैसे को बोला कि आप चलो चले जाएँ, तो मैं फिर किसी दिन चक्कर लगा लूँगा, वरना वो तारा बोल रही थी हम दोनों चले जाते हैं, वैसे आपको इधर मतलब छोड़ देते हैं कोई मसला नहीं है। मैंने करें बच्चा फिर ऐसा दिल में जाती है कि खुद चले गए और मुझे यहाँ पर छोड़ दिया, मैंने कहा आप चले जाएँ तो फिर इंशाल्लाह कल परसों भी चक्कर लगा लूँगा। तो इसलिए खाना वगैरह जो है ना वो शायद उधर से ही बन कर आएगा, हो सकता है कि लेट हो जाए आज आते हुए उनको, अभी मतलब कि 6 का टाइम होने वाला है, 7:30 बजे तक ना, 5:30 का टाइम होने वाला है, 7:30 7:30 बजे तक ना इंशाल्लाह वो आ जाएंगे, तो फिर खाना वगैरह तो नहीं बनेगा, खाना फिर उधर से ही आ जाए। फिलहाल देखते हैं क्या होता है क्या नहीं,
इस व्लॉग का यहीं पर एंड करने लगे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिंदगी तो फिर मिलेंगे और अच्छी सी प्यारी सी वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखें और हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।